आपका हमारे चैनल न्यूज़ ब्लास्ट में स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जरा मुझे ये जरा हाईलाइट कीजिए, 169 पे पाउंड चला गया नियरली, 130 पे डॉलर आपका फ्लोट कर रहा है, आप बिजनेस क्या करेंगे? आपके 300 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट्स हैं और 1 बिलियन डॉलर का आपका एक्सपोर्ट जा रहा है, वेयर आर वी हेडिंग? देखिए, आई थिंक पीजे, ये इकॉनमी, जैसे वो क्लिंटन ने कहा था ना, इट्स इकॉनमी द स्टूपिड, उसी तरह ये पाकिस्तान में इस वक्त इकॉनमी इज़ द नंबर वन इशू इन पाकिस्तान। और अनफॉर्चुनेटली जो अभी आप जनरल साहब से बातें कर रहे थे, वो इकोनॉमिक इशू से नज़र हटाने के लिए वो ये नैरेटिव एक पॉलिटिकल पार्टी ने शुरू किया हुआ है, वोट वोट वाला मामला और सिविलियन और मिलिट्री रिलेशनशिप के ऊपर। असल में अगर आप देखें तो 5 साल में इकॉनमी को तकरीबन डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसकी वजूहात हैं, इसकी वजह सबसे नंबर वन जो है कि आपका फॉरेन डेट जो है वो 100 अरब डॉलर से आगे निकल चुका है। और जैसे अभी तुम आपने कहा कि ट्रेड में इंपोर्ट्स जो हैं वो आपकी एक्सपोर्ट्स से 35 अरब डॉलर ज़्यादा हैं, और उस गैप को आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोशिश करते हैं पूरा करने पे, लेकिन रिमिटेंसेस इतनी नहीं है कि वो गैप पूरा हो। और कम से कम 20 अरब डॉलर का तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका चल रहा है, उसके साथ साथ वो जो 100 अरब डॉलर का आपने कर्जे ले चुके हैं उसका 10 अरब डॉलर सालाना उसकी वापसी भी है। सो 30 अरब डॉलर को फाइनेंस करने जाएं जब, और आपके पीछे रिजर्व्स में 10 अरब डॉलर भी ना हो, तो रुपी ने तो नेचुरली गिरना है। और इससे एक और बात ये भी है कि अभी तो हम 2 साल पहले हम IMF के प्रोग्राम में थे, और IMF के प्रोग्राम में हमें कहा गया था कि अब आप सही चल रहे हैं लेकिन आप केयरफुली जाएं इन चीज़ों को, अब आप रिफॉर्म्स करें और अपनी बिजली को ठीक करें, अपने FBR को ठीक करें, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ठीक करें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करें, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें बढ़ती गई। बिजली के ऊपर इस वक्त हुकूमत कहती है कि उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री है, लेकिन अगर आप बिजली को देखें, दुनिया की एक्सपेंसिव तरीन बिजली ला के आपके कंज्यूमर को दे दी गई है, जबकि आप दुनिया में लेट से अब हमारी रीजन में 12-13 रुपए की बिजली जो है वो अननोन है। हमारी जो बिजली इंडस्ट्री को जा रही है वो 12-13 रुपए यूनिट पे जा रही है, हिंदुस्तान में, चीन में, बांग्लादेश में ये 6-7 रुपए में वहाँ पहुँचती है बिजली। सो हमारा एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता इस बिजली के साथ, और ये वो बिजली है जो अगले 30 साल हमारे गले में पड़ी रहेगी। सो इसमें बहुत मिसमैनेजमेंट हुई है, कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई, जनरेशन बहुत महंगी दी गई है, बहुत इनकॉम्पिटेंस शो की गई है, करप्शन शो की गई है। जो चीज़ें ठीक करनी थी गवर्नेंस के, आप बिजली के बिल कलेक्ट कर सकें, लॉसेस को रोक सकें, डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बना सकें, उसके ऊपर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। सो नतीजा ये है कि इस वक्त आपकी जो इकॉनमी है वो इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंच चुकी है, और जो अब अगली गवर्नमेंट आएगी उसको ये एक तोहफा मिलेगा पिछली गवर्नमेंट से कि टोटली मिसमैनेज्ड इकॉनमी। और अनफॉर्चुनेटली जो पिछली गवर्नमेंट है और वो जो नैरेटिव रेज कर रही है, वो कह रही है कि हमें जेल से निकालो, और हमें जुडिशरी ने हमारे साथ ज्यादती कर दी, फौज ने हमारे साथ ज्यादती कर दी, और जो उनकी कारकर्दगी है उसके ऊपर उन बिल्कुल खामोशी है। क्योंकि अगर आप 2008 में जाएं और उस वक़्त जब नई गवर्नमेंट आई, तो उस वक़्त भी आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत वो अरेंजमेंट उन्होंने की कि इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए। इसहाक डार साहब ने आते साथ बगैर पूछे किसी चीज़ के, जितनी उस वक़्त कैपिटल मार्केट्स में हमारे GDRs चल रहे थे, बॉन्ड्स चल रहे थे, दूसरी जो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट हम कर रहे थे,
उस सारे को बगैर पूछे कैंसिल कर दिया। जैसे ही वो कैंसिल किया, उससे कोई 4-5 अरब डॉलर का इनफ्लो जो आना था हमारे रिजर्व्स में वो ना आया। उसी के साथ वो आपने जैसे कहा 50 डॉलर का तेल जो था वो 150 डॉलर पे चले गया। अब क्योंकि आपके रिजर्व्स उसके मुताबिक नहीं थे, अगर वो 4-5 अरब डॉलर आ गया होता, 20 अरब के आपके रिजर्व्स होते तो आप इसको बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन जब वो प्राइस ऊपर गई, एक एक्सटर्नल शॉक आया, आपकी रिजर्व्स जो हैं वो हर महीने तकरीबन उस वक्त $1 बिलियन से कम हो रहे थे। उसके साथ साथ जब स्टॉक एक्सचेंज में उसका इम्पैक्ट आया, स्टॉक एक्सचेंज गिरनी शुरू हुई, तो एक और बड़ी अजीबोगरीब हरकत की उस वक्त की मैनेजमेंट ने कि उसके नीचे फ्लोर लगाने की कोशिश की। फ्लोर लगाने के चक्कर में इतना वो कॉन्फिडेंस शैटर हुआ कि 70% मार्केट कैपिटलाइजेशन गायब हो गई। फिर आप IMF के पास पहुँचे, कोई जो रिफॉर्म करने वाली चीज़ थी वो नहीं की। उसके बाद जब 2013 के बाद चले, नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने उस वक्त IMF के साथ प्रोग्राम शुरू किया। उस IMF प्रोग्राम को जब ख़त्म किया 2016 में, तो IMF के डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर जो थी क्रिश्चियन लेगार्ड, वो पाकिस्तान आई। उसने कहा कि हमने आपको बड़ा सपोर्ट किया, आपको 3 साल ये करते रहे हैं और आपने मुकम्मल किया प्रोग्राम, लेकिन आपको रिफॉर्म्स करने की बहुत अशद ज़रूरत है। और वो रिफॉर्म्स क्या थी? वो ये थी कि अपने एनर्जी सेक्टर की चोरी को रोको, करप्शन को रोको, टैक्सेस के निज़ाम को ठीक करो, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ठीक करो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लेके आओ। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी इकॉनमी ठीक रहेगी। उनमें से एक चीज़ भी नहीं की। और आज आपको पता है कि इसहाक डार साहब आपके साथ लंदन में घूमते फिर रहे हैं, यहाँ मेरे साथ, वो आके, मेरे साथ नहीं है। आपके साथ नहीं है तो आप उनसे जाके पूछें कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ के आके बताएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कहने का मकसद ये है कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसको एक प्लान के साथ आना चाहिए, डे वन से वो प्लान इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उनको लर्निंग ऑन द जॉब की सहूलत नहीं होगी। अगर वो लर्निंग ऑन द जॉब करेंगे जैसे 2008 में की थी और सारी गलतियां करते जाएंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी बड़े शदीद किस्म के बुरान में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा के साथ आएं, बड़ी जल्दी करें, अच्छे लोगों को लेके आएं, और उसके साथ इंटरनेशनल भी आपकी बैकिंग होनी चाहिए, चीन के साथ आपके तल्लुकात जो हैं उनको फुली यूटिलाइज करना चाहिए इकोनॉमिकली, और CPEC को भी बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट। अब आप ये देखें कि हर चीज़ में CPEC में भी नज़र आता है कि बेशुमार करप्शन हो रही है, हर प्रोजेक्ट जो है वो डबल प्राइस पे लग रहा है। सो ये चीज़ें जो हैं ये आपको दुरुस्त करनी पड़ेंगी। आपका जो आगे चल के निज़ाम जिस तरह का भी होगा उसमें हर जो सेगमेंट है, जुडिशरी है, मिलिट्री है, सिविलियन है, पार्लियामेंट है, उनको इकट्ठा मिलके ये काम करना पड़ेगा। फिर आपकी इकोनॉमी जो है वो सेटल होगी, स्टेबलाइज होगी और ग्रोथ पे आएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो तेज़ी से हमारे से आगे निकलती जा रही है। 2007 में पीजे हमारा पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान से ज़्यादा था। आज पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान का पाकिस्तान से $2,000 पर ईयर ज़्यादा हो चुका है, और वो गैप बढ़ता जाएगा अगर हम अपनी इकॉनमी को दुरुस्त तरीके से प्रोफेशनली मैनेज नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें दो है, मेरिट और एंटी करप्शन। करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस चाहिए पाकिस्तान की इकॉनमी को, फिर ये आगे चल के काम बनेगा। तो आई थिंक ये अवाम के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि वो फ्यूचर के लिए वोट करते हैं जो कि प्रॉस्पेरिटी की तरफ, रिफॉर्म्स की तरफ, अदारों को दुरुस्त करने की तरफ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की तरफ जाते हैं, या वो पुराने चीज़ों को, नवाज शरीफ को जेल से निकालने के लिए वोट करते हैं। सो ये दो ऑप्शंस हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, आपने अभी बात की मेरिट एंड एंटी करप्शन, यू एंड मी एज पाकिस्तानीज
हम आजाद कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते, ये लॉ है। चाइनीज आके पाकिस्तान में जमीन किस लॉ के तहत खरीद रहे हैं? They are not allowed to buy any land in Pakistan. Where is this merit and where is this anti-corruption? देखिए, आई थिंक एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि चाइना के साथ जो हमारे तल्लुकात हैं सीपैक के, उनको भी हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनलिज्म से करना चाहिए हैंडल, क्योंकि एक तरफ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके मुल्क में खासी बड़ी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट होगी, आपके कोस्ट लाइन के ऊपर पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं और आपके मुल्क के अंदर एक नेटवर्क बन रहा है कम्युनिकेशंस का, और चीन की इकॉनमी से आप कनेक्ट हो रहे हैं। चाइना की इकॉनमी इस वक्त दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी इकॉनमी है, और कई लोग कहते हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी एक इंडिकेटर होता है, उसके मुताबिक वो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, और चीन की इंटरनल मार्केट जो है वो भी बहुत बड़ी है, और पाकिस्तान को जब तक उस मार्केट का शेयर नहीं मिलेगा हम सीपैक के कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे। सो आई थिंक हमें सीपैक को एज अ नेशनल स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना है, चाइना से नेगोशिएट करना है कि भाई जान जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी आ रही है इसका रिटर्न हमारी चाइना में एक्सपोर्ट्स से होगा, और एक्सपोर्ट्स जो होंगी वो आप फैसिलिटेट करेंगे चाइना में, और चाइना की जो बहुत बड़ी $2 trillion की इम्पोर्ट्स हैं उसमें से कुछ बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को भी मिलेंगे, और पाकिस्तान में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं या स्पेशल एग्रीकल्चर जोन्स जो बनेंगे उनकी भी आउटपुट और पैदावार जो है वो चाइनीज़ इकॉनमी और चाइनीज़ मार्केट में बड़ी कंपेटिटिवली जानी चाहिए, तो फिर ये हमारी इकॉनमी जो है ये एशिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन सकती है। सो पॉइंट इज दिस के अब आप अपनी इकॉनमी को एक नॉन ट्रांसपेरेंट सेठ टाइप सिस्टम्स, चोरी चकारी ब्राइबरी करप्शन इन चीज़ों के साथ आप नहीं चला सकते, आपको 21वीं सदी में इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हैं उसके मुताबिक अपनी इकॉनमी को चलाना पड़ेगा, और जो भी गवर्नमेंट ये काम करेगी उसके पास ये कैपेसिटी एबिलिटी होनी चाहिए जब वो इलेक्शन जीत के आए। ओके, मुझे अपना हामिद खान साहब, ये जितनी बातें डॉक्टर सलमान शाह ने की हैं उस दौरान में ये जनरल परवेज मुशर्रफ थे जो के कंट्री के हेड थे। अब कल मैंने एक उनका इंटरव्यू किया जिनमें उन्होंने कहा है कि अगर वो कहते हैं उनके ओपिनियन में है कि शायद पीटीआई जीत जाएगी और इमरान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो ठीक हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा अगर वो चाहें तो मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ विद हिज एक्सपीरियंस व्हाटएवर। तो डू यू थिंक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस रस्ते पे जाएगी? देखिए मीर साहब, ये जो परवेज मुशर्रफ की ऑफर है मैं समझता हूँ वो इस काबिल नहीं है कि इस पर गौर किया जाए, क्योंकि वो पहले ही एक तरह से चले हुए कारतूस हैं जो उन्होंने इस मुल्क में किया है। 9 साल उनकी हुकूमत रही है, उसके बाद उसमें जो परफॉर्मेंस रही है और जो आज बहुत सारी मुश्किलात में आज हम मुब्तला हैं वो भी उन्हीं की इब्तदा की हुई हैं, चाहे 9/11 के या वॉर ऑन टेरर की वजह से है, और इकोनॉमिक्स में भी जो बातें बहुत सारी ऐसी बातें जो सामने आई हैं उसमें भी जिसकी कंटिन्यूएशन आज तक जा रही है। तो मैं नहीं समझता कि उनकी कोई ऐसी अचीवमेंट्स हैं कि हम कहें कि जी उनकी मदद तलब करनी चाहिए या उनसे मदद लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो जो 3 हुकूमतें ऊपर नीचे पाकिस्तान में रही हैं, मुशर्रफ की हुकूमत, जरदारी की हुकूमत और नवाज शरीफ की हुकूमत, ये तीनों हुकूमतों ने मुसलसल पाकिस्तान की इकॉनमी, डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ये जो ऑरेंज ट्रेन चलाई गई है फॉर एग्जांपल, इसका टोटल बजट जिस दिन सामने आएगा उस दिन शायद पंजाब हुकूमत ने पंजाब के या बाकी लोगों को पता चलेगा हमारे साथ हुआ क्या है। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट दैट आई गॉट, वेरासिटी अभी मैं उसे कन्फर्म नहीं कर सकता, कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो 500 अरब रुपए से आगे बढ़ गया हुआ है आपका, इसका ये इनके हाल है और ये ऊपर से कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं और ये हर एक को धमकी दे रहे हैं। ये चूंकि मैं इसे कहा था ना बाकी लोग इनकी धमकियों को कुछ ज़्यादा तोज्जो नहीं दे रहे,
तो इन वे ये अपना खुद केस खराब कर रहे हैं, पब्लिक को कह रहे हैं ये हमारे खिलाफ हैं, हमें तो किसी ने जीतने देना नहीं है, तो पब्लिक भी कहती है भाई जो आपको जीतने ही नहीं देना तो हम क्यों आपको वोट देकर अपना वोट जाया करें। बिल्कुल आपने सही किया, बल्कि एक ब्रेक पे हम जाते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये सवाल डॉक्टर सलमान शाह आप पे है। आपको याद है कि जब आपकी गवर्नमेंट गई और शौकत अजीज ने $50 पर बैरल आपका बजट छोड़ा, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर $150 पे बजट हो गया और ये कंट्रोल नहीं कर सके और लिक्विडिटी थी। जरा लोगों को बताएं हमारे मैनेजरियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि कल मैं किसी एक मैं नाम नहीं लेता पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स आई मेट देम यस्टरडे इन द आफ्टरनून, तो वो यही कह रहे हैं कि जी हमने तो वहां मिलियंस ऑफ पाउंड्स लगा दिए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वहां प्रॉब्लम है मैनेजरियल प्रॉब्लम। अब इसमें मुझे बताइए कि इन द लाइट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, मैं तो कहता हूं गंदे इलेक्शंस है, इन द लाइट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन डू यू रियली थिंक वी विल गिव अगेन गोइंग बैक टू द सेम ओल्ड स्टोरी? एक ब्रेक के बाद हम आते हैं इसका, आई विल गेट योर आंसर ऑन दैट। वेलकम बैक टू Q&A विद विजय मीर। आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। देखें, जजमेंट या किसी को प्रोसिक्यूशन हो जाए या कोई बरी हो जाए, ये कोर्ट्स का काम है। मीडिया के अंदर एक ओपिनियन है, लेकिन ओपिनियन जो ब्रेक से पहले मैंने डॉक्टर सलमान शाह को सवाल किया था, डॉक्टर साहब अब आप मुझे बताइए कि क्या